iPhone 12 4K वीडियो बैटरी ड्रेन टेस्ट 100 to 0%। सो गाइस, आज मैं स्पेशली इस iPhone 12 में एक बैटरी ड्रेन टेस्ट का टॉपिक कवर करने वाला हूँ, और बैटरी ड्रेन टेस्ट के बेसिस पे मैं इस स्मार्टफोन में सिर्फ ओनली एंड ओनली 4K वीडियो को प्ले करूँगा, और चेक करते हैं कि अगर आप इस iPhone 12 में वीडियो को प्ले करते हैं नॉन स्टॉप बेसिस पे, तो ऐसे में ये जो iPhone 12 है आपको कितने घंटे तक का बैटरी बैकअप देगा, और 100 to 0% ड्रेन होने के लिए ये iPhone 12 कितना टाइम कंज्यूम करेगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और एक तरीके से मैं भी श्योर नहीं हूँ कि जो स्मार्टफोन है कितने घंटे तक का बैटरी बैकअप देगा, तो इसके थ्रू मैं भी ज़रा आइडेंटिफाई कर लूँगा। वैसे इस iPhone 12 की में मैंने और भी डिफरेंट टाइप्स के बैटरी डेंटेस्ट का टॉपिक कवर किया है, तो अगर आप इस iPhone 12 में फ्री फायर का बैटरी डेंटेस्ट का टॉपिक चेक करना चाहते हैं, या बैटल ग्राउंड टू मोबाइल इंडिया का बैटरी डेंटेस्ट का टॉपिक कवर करना चाहते हैं, या फिर साथ में पबजी न्यू स्टेट का भी अगर आप बैटरी डेंटेस्ट का टॉपिक चेक करना चाहते हैं, तो मैंने इन तीनों ही गेमिंग को लेकर इस iPhone 12 में बैटरी डेंटेस्ट का टॉपिक कवर किया है, तो आप वीडियो सेक्शंस में जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं वन बाय वन मैंने। और आज जो बैटरी डेंटेस्ट है ये सिर्फ ओनली वीडियो प्ले का होगा। वैसे जो स्मार्टफोन है ये काफ़ी टाइम से पहले इंडिया में लॉन्च हो चुका था, लेकिन इसका जो प्राइस है अभी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। इस स्मार्टफोन को मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था अराउंड 54,000 रुपीज़ में, तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छा एक एडवांटेजेस मोमेंट है, कम प्राइस में आपको iPhone 12 मिल जाता है, तो इसे आप इजीली फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ही परचेस किया है, और इस iPhone 12 के रिलेटेड मैंने कई सारे टॉपिक्स मेरे वीडियो सेक्शन में कवर किए, तो आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज बारी है सिर्फ ओनली 4K वीडियो का बैटरी डेंट टेस्ट। सो इस iPhone 12 में जो बैटरी आता है वो है 2815 मिलियन पावर बैटरी। वैसे बैटरी जहाँ पर आज के डेट में एंड्रॉयड में 4000 mAh का बैटरीज, 5000 mAh का बैटरीज, इवन 6000-7000 mAh का बैटरीज आते हैं, वहीं पर इस iPhone 12 में बैटरी कम आता है 2815 मिलियन पावर। तो ऐसे में आप ज़्यादा बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट मत करना, बट फिर भी ये वीडियो प्ले है तो वीडियो प्ले में तो आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा ही मिलेगा, बट कितना मिलेगा ये चेक करना तो बनता है। तो इसमें 4K वीडियो को प्ले करने के लिए मैं यूट्यूब से कोई भी एक रैंडम सा वीडियो ले लेता हूँ, और उसी 4K वीडियो को मैं इसमें प्ले करने वाला हूँ। तो लेट्स मैं कोई एक रैंडम सा वीडियो प्ले कर देता हूँ। तो अभी इस iPhone 12 का जो बैटरी है पूरा का पूरा 100% चार्ज है, 1% भी इसका बैटरी ड्राउन नहीं है, पूरा 100% चार्ज है। तो चेक करते हैं कितना टाइम कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर जो रेजोल्यूशन मैं चूज़ कर रहा हूँ वो एकदम मैक्स रेजोल्यूशन चूज़ कर रहा हूँ, वो है 2160 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन, यानी कि 4K में काफ़ी हाई वेरियंट है। और यहाँ पर गाइस एक और चीज़ मैटर करता है कि जितना ज़्यादा वीडियो का क्वालिटी होता है उतना ज़्यादा बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन होता है, और जितना लो क्वालिटी पर आप वीडियो को प्ले करते हैं उतना बैटरी बैकअप ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर अभी बैटरी बैकअप शायद ज़्यादा मिलेगा नहीं, बिकॉज मैं हाई क्वालिटी में प्ले कर रहा हूँ, बट फिर भी इससे आपको एक आइडिया भी आ जाएगा कि अगर आप लो हाई क्वालिटी में इतना रिजल्ट आ रहा है तो लो क्वालिटी में कम बैटरी जाएगा, राइट? सो इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पर एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए साथ में मैं एक टाइमर भी सेट करूँगा, जिससे कि आप सारी एक्टिविटी को लाइव ट्रैक कर पाओ। तो नियरली यहाँ पर जो डिफरेंस होगा मैं वो 4 hours का डिफरेंस होगा, 4 घंटे तक नॉन स्टॉप इसमें 4K वीडियो प्ले होगा, 4 hours के बाद रिटर्न आएंगे और चेक करेंगे कि 4 hours के डिफरेंस में इसका बैटरी कितना ड्रेन होता है।
सो नाउ अभी यहाँ पर टोटली 4 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट 4 आवर्स से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप इस आईफोन 12 में वीडियो प्ले है। तो जब स्टार्टिंग किया था हमने उसमें इसका एग्जैक्ट बैटरी पूरा का पूरा 100% था। तो अभी चेक करते हैं इस 4 आवर्स के 4K वीडियो के बैटरी डेंटेज में इस आईफोन 12 में बैटरी कितना ड्रेन हुआ है और करंट इसका बैटरी स्टेटस क्या है। ऑन एन एवरेज यहाँ पर गाइस ब्राइटनेस भी मैटर करता है कि कितने ब्राइटनेस पे आप वीडियो को प्ले करते हैं। तो जो एवरेज ब्राइटनेस मैं रख रहा हूँ यहाँ पर वो 35% एवरेज ब्राइटनेस है मोबाइल का, यही पर इसी ब्राइटनेस लेवल पर मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूँ। सो नाउ लेट्स चेक इट आउट द करंट बैटरी स्टेटस ऑफ दिस आईफोन 12। सो नाउ करंट इसका जो बैटरी स्टेटस है इट्स 63% इन लास्ट 4 आवर्स, यानी कि 4 आवर्स में इसने 37% बैटरी ड्रेन किया 4K वीडियो के प्लेबैक में ऑन एन एवरेज 35% ब्राइटनेस लेवल पर। अब ये बैटरी बैकअप परफेक्ट दे रहा है क्या? वेल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुझे तो इसमें कोई ख़राबी लग नहीं रही है। 4 आवर्स में 37% और वो भी हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे, इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। और एंड्रॉयड के केसेस में भी मुझे ऑलमोस्ट इतना ही रिजल्ट मिलता है और बैटरी बैकअप में काफ़ी फ्लक्चुएशन होने के बावजूद भी सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो एंड्रॉयड में आता है। नॉट बैड एक्चुअली, बट अभी भी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। अभी भी मैं इसमें वीडियो को कंटिन्यू रखने वाला हूँ जब तक कि इस आईफोन 12 का बैटरी पूरा का पूरा 0% ड्रेन ना हो जाए। तो करंट इसका बैटरी स्टेटस है इट्स 63%, और अभी चेक करते हैं फिर से इसमें कंटिन्यू रखता हूँ और फिर से 4 आवर्स का डिफरेंस लेंगे। नेक्स्ट 4 आवर्स में इसका बैटरी कितना ड्रेन होता है वो चेकआउट करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। सो नाउ अभी टोटली 8 आवर्स पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट 8 आवर्स से कंटिन्यूसली इस आईफोन 12 में 4K वीडियो प्ले है। तो जब स्टार्टिंग किया था पूरा 100% था। फर्स्ट 4 आवर्स में 37% इसने बैटरी ड्रेन किया था और अभी सेकेंड वाला 4 आवर्स है, यानी कि टोटली 8 आवर्स है। तो अभी चेक करते हैं करंट इसका बैटरी स्टेटस क्या है और इसने कितना परसेंट बैटरी ड्रेन किया है। सो नाउ करंट इसका बैटरी स्टेटस है इट्स 27% इन लास्ट 8 आवर्स, यानी कि टोटली 8 आवर्स में इसने 73% बैटरी ड्रेन किया है और लास्ट 4 आवर्स के कंपेयर में अभी भी इसने सेम बैटरी परसेंटेज दिया, यानी कि लास्ट जो फर्स्ट वाला 4 आवर्स था उसमें 37% इसने बैटरी ड्रेन किया था और अभी जो सेकेंड वाला 4 आवर्स है इसमें भी इसने ऑलमोस्ट 36% बैटरी ड्रेन किया है, यानी कि ऑलमोस्ट सेम स्टेज भी है, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी क्वाइट अमेजिंग, नॉट बैड। अभी भी इसमें लास्ट का 27% रिमेनिंग है, तो चेक करते हैं ये लास्ट का 20% पूरा ड्रेन करने के लिए और एडिशनली कितना टाइम कंज्यूम करता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से शायद ये और 3 से 3.5 घंटा ले लेगा, बट फिर भी चेक करने में क्या जाता है।
सो नाउ अभी यहाँ पर टोटली 12 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट 12 आवर से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप विदाउट एनी डिले इस आईफोन 12 में वीडियो प्ले है और कंटिन्यूसली बेसिस पे 100-0%। तो अभी इसका जो बैटरी है पूरा का पूरा 0% हो चुका है, तो टोटली इस आईफोन 12 ने 12 घंटे का बैटरी बैकअप दिया है। सो नाउ लेट मी शो यू द बैटरी स्टेटस। तो अभी जो इसका लास्ट का ओनली 1% बाकी है, यानी कि पूरा ये ड्रेन हो चुका है। तो अभी इसने बैटरी बैकअप परफेक्ट दिया है कि नहीं, टोटल 12 घंटा इसने दिया है 100-0% ड्रेन होने के लिए। नॉर्मली केसेस में मैं एंड्रॉयड मोबाइल के साथ भी बैटरी डेंटेज के टॉपिक कवर करते रहता हूँ, 4000 mAh के बैटरी इसके साथ में, 5000 mAh के बैटरी इसके साथ में, 6000 even 7000 mAh के बैटरी इसके साथ भी कवर करता हूँ। तो 7000-6000 को साइड में रखते हैं, 5000 mAh के बैटरीज वाले एंड्रॉयड मोबाइल्स और 4000 mAh के बैटरी वाले एंड्रॉयड मोबाइल्स के साथ में जब बैटरी डेंटेज के टॉपिक कवर करता हूँ, खास करके 4K वीडियो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 13 से 14 घंटे के बीच में बैटरी बैकअप देते हैं। और इस आईफोन 12 में बैटरी कम होने के बावजूद भी इसमें नियरली काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप मिला है 12 घंटे का, वो भी नॉट बैड। अब इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो में 12 घंटे का बैटरी बैकअप मिला है तो ऐसे में गेम प्ले में भी आपको सेम बैटरी बैकअप मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। गेम प्ले अलग है और वीडियो प्ले अलग है। गेम प्ले में प्रोसेसर अंदर का जो पावर कंजम्पशन है वो ज़्यादा होता है, तो ऐसे में गेम प्ले अगर आप इस आईफोन 12 में करोगे तो आपको बैटरी बैकअप कम मिलेगा। एग्जांपल के बेसिस पे अगर आप इस आईफोन 12 में फ्री फायर का गेम प्ले करते हैं तो ऐसे में आपको 5 घंटे से 5.5 घंटे के बीच में बैटरी बैकअप मिलता है। लेकिन वीडियो की बात अलग है इसलिए गेम की बात अलग है, सो यू नीड टू कीप इन माइंड। तो अगर आपको फ्री फायर का बैटरी डेंटेज चेक करना है आप वीडियो सेक्शन में एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बट ओवरऑल जो भी एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा था, और सबसे मेन बात 4K वीडियो का क्वालिटी आईफोन 12 में कम्प्लीटली अमेजिंग है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में आईफोन 12 में आपको इतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा नहीं। द रीज़न इज़ दैट गेम प्ले में कंफर्टेबल मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितना आप कंफर्टेबल रहोगे उतना ज़्यादा आप गेम प्ले करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और गेम प्ले में डिस्प्ले मैटर बहुत करता है, डिस्प्ले का साइज़ मैटर करता है, तो जितना ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले का साइज़ होगा उतना गेम खेलने में मज़ा आता है, जो आईफोन 12 में इतना ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आप डिसेंट गेमिंग पर्पज़ के लिए आप इसमें गेम को प्ले कर सकते हैं। बट अगर आप कंप्लीटली प्योर गेमर हैं तो ऐसे में आईफोन 12 में आपको अनकंफर्टेबल मोमेंट होगा, बट फिर भी डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन। सो ये था इस आईफोन 12 में एक 4K वीडियो का बैटरी डेंटेज 100-0%, जिसमें इसने टोटली 12 आवर्स का बैटरी बैकअप दिया है ऑन एन एवरेज 35% ब्राइटनेस लेवल पर। तो अगर आपको टॉपिक पसंद आया, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ भी सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अगर आपको और भी कुछ डिफरेंट टाइप्स के बैटरी डेंटेज के टॉपिक चेकआउट करने हैं तो मैंने उसके रिलेटेड टॉपिक कवर किया है, आप वीडियो सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।